हेलो फ्रेंड, मैं नीलमा सिंह आप सबका अपना चैनल मेरा बगीचा में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ फ्रेंड, जो मैंने अगले साल मैंने ग्लेडियस, ये देखिए फ्रेंड, मैंने ग्लेडियस ख़रीदा था और उसका बल्ब मैंने बचा के रखा हुआ था। ये देखिए, इस साल मैंने अगस्त महीने में 15 अगस्त के बाद मैंने बल्ब उसको लगाया था और ये देखिए अभी 1 नवंबर है, 2-2.5 महीने के बाद मेरा ये ग्लेडियस ये देखिए खिल चुका है दोस्तों। और ये दूसरा, 4 में लाई थी 4, ये दूसरा, ये देखिए ये भी, इसमें भी अब खिलेगा दोस्तों, इसका भी बड्स बन गया है। मैं 4 बल्ब लाई थी, 4 मैंने बल्ब बचा के रखा था, 4 का 4 प्लांट मेरा हो गया दोस्तों। एक ये देखिए ये खिल गया है, मेरा 4 कलर का था, बल्ब एक ही में था लेकिन मेरा 4 कलर का निकला। ये देखिए दोस्तों, ये परसों ही खिल गया था दोस्तों, मैंने रखा था, कल धूप बहुत ज़्यादा हो गया इससे सूख गया है दोस्तों। ये ऊपर का मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये देखिए ग्लेडियस, आप लोग भी बल्ब बचा कर रखेंगे तो ग्लेडियस बहुत अच्छा फूल होता है, एक में एक ही फ्लावर होगा दोस्तों। ये देखिए, और ये दूसरा ये बल्ब बन गया है दोस्तों, उसमें एक प्लांट और है, 3 आ एक उधर है दोस्तों। 4 का 4 मेरा प्लांट मेरा बचा था ग्लेडियस का, 4 मेरा हो गया है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, बालसम अब मेरा 20 से ये रेड कलर का बालसम अब खिलना शुरू हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर का बालसम। ये देखिए दोस्तों, ये चौलाई है, मैं बाज़ार से लाई थी, उसको मैंने उसका बीज से, ये देखिए कितना सारा ये चौलाई है बीज से इसका निकल गया है दोस्तों। कोई साज भी आप बाज़ार से लाओ और लगा दो तो आपका फल देगा ही देगा दोस्तों। ये देखिए चौलाई, कितना सारा चौलाई मैंने उसको लगा दिया था, उसका बीज था तो झड़ के इतना चौलाई, देखिए दोस्तों ये चौलाई है पूरा, मतलब इसमें भिंडी लगाओ दोस्तों और इसमें चौलाई है। ये मेरा पर्सलैन है, ये देखिए दोस्तों अभी भी खूब अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए इसको सारा इसको पूरा धूप में ही रखना है, कहीं जब इसका टाइम नहीं आएगा तो इसको कहीं भी रख देते हैं, ऐसा नहीं करना दोस्तों, इसको धूप में ही रखना, नहीं तो ठंड में रखने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है, ये सेकुलेंट प्लांट है दोस्तों, इसीलिए इसको धूप में ही इसको रखिए। देखिए कितना अभी गर्मी है, अभी धूप में मेरा अभी भी खिल रहा था बहुत अच्छा से, दादी ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए अब मेरी गोल्ड का बहार है दोस्तों, अब सारे में देखिए बर्ड्स, ढेर सारे बर्ड्स बने हुए हैं दोस्तों। हमारे ग्लेडियस के बारे में मैं बता रही थी, तो आप लोग भी अभी भी बल्ब ला के लगा सकते हैं, ये जाड़ा का ही फ्लावर है ये ग्लेडियस, अभी ये बल्ब लगाएंगे तो हो जाएगा आपका। मैंने रखा हुआ था, मैंने अगस्त में ही बल्ब लगा दिया था, मेरा ये अभी खिल भी गया, अभी भी बहुत सारे फ्रेंड सब देख रहे हैं लगा रहे हैं बल्ब, तो आप भी अभी नर्सरी से ला के ग्लेडियस का बल्ब लगा सकते हैं दोस्तों। अब कैलेंचो का समय आ रहा है दोस्तों, मैंने कटिंग से, ये देखिए दोस्तों, मैंने देसी गुलाब का 1.5 महीना पहले पानी में डाल दिया था, तो ये देखिए ये गुलाब का जड़, ये देखिए पानी में दिख रहा होगा, ये देखिए ये पूरा जड़ आ गया है, 1.5-2 महीना मैंने पानी में इसी तरह डाल दिया था दोस्तों। ये गुलाब है, इसमें अभी मैं रहने दूँगी, जब 1-2 प्लांट पत्ते आ जाएंगे फिर मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी। तो पानी में भी 1.5-2 महीना तक रखने से उसमें रूट आ जाते हैं, गुलाब में भी, देसी गुलाब है दोस्तों। आज मैं ग्लेडियस के बारे में ही बता रही हूँ, अभी भी ऊपर ये देखिए ये खिल रहा है, ये ऊपर तक जाएगा, ये बहुत लंबा होता है दोस्तों। आप लोग भी ग्लेडियस का अभी भी
बल्ब ला के लगा सकते हैं, खूब अच्छा से आपका बल्ब ग्रोथ करेगा। देखिए उस फ्लावर से ये पूरा नीचे लटक गया है। अगर आप लोग को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो कोई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता रहेगा। नीलिमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।